आईपीएल की तर्ज पर पिछले 11 साल से डॉक्टर्स प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी लीग का 11वां सीजन खेला जा रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट में महिलाओं की 6 टीमें भी भाग ले रही है। जयपुर सहित अजमेर के डॉक्टर्स की टीम भी टूर्नामेंट में खेल रही है। टूर्नामेंट के चेयरमैन डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि काम के बीच शारीरिक और मानसिक तौर से फिट रहने के लिए लीग का आयोजन किया जा रहा है। महिला टीम की कन्वीनर डॉक्टर रिम्मी शेखावत ने कहा कि घर परिवार और काम के साथ साथ क्रिकेट खेलना अच्छा अनुभव रहेगा। महिलाओं की इस बार मैक्सिमम है, पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस वर्ष हुआ है। इस मतलब कम से कम भी 6 टीमें हैं और ऑलमोस्ट 90 के करीब फीमेल डॉक्टर प्लेयर्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसे अब हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो कामयाबी है वो वर्ड ऑफ माउथ, मान लीजिए सभी हमारी जितनी भी फीमेल कलीग्स हैं उनके बीच में एक मैसेज गया है और वो अपने आप से जैसे जुड़ती गई हैं। सबसे बड़ा आपने जो बताया कि इतना बिजी शेड्यूल है, आप मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है, बहुत डिमांडिंग है, समय नहीं होता है। 12th के बाद में अगर PMT के थ्रू हम लोग अगर आते हैं तो खेल बहुत पीछे छूट जाता है। वापस इस चीज़ को रिवाइव करना, और अधिकतर महिलाएं ये मान सकते हैं कि लेडी डॉक्टर्स के लिए क्रिकेट एक बहुत ही मतलब एक अलग सी चीज़ है। 99% आप कुछ और गेम्स खेल सकते हैं पर क्रिकेट नॉर्मली लड़कों का खेल माना जाता है। 11 ईयर्स से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, और इसमें पहले साल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, पर अब ऑलमोस्ट 16 टीम्स मेल की है, 6 टीम्स फीमेल की है, और 2 वेटरन्स की टीम है जो 50 इयर्स एंड अबव की एज वाले खेलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑलमोस्ट 24 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।